हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं के पाठ 2 बिल्ली का बिलंगड़ा इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक श्री राजेंद्र प्रसाद हांडा जी हैं। सर्वप्रथम लेखक परिचय। श्री राजेंद्र जी एक जाने माने कथाकार हैं। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। इनके विषय ज़्यादातर सामाजिक समस्याओं से जुड़ी होती है। गद्य परिचय। यह एक हास्य कहानी है जहां लेखक ने अपने जीवन की किसी सत्य घटना का वर्णन रोचक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। अब कहानी का सारांश। एक समय ऐसा था जब लेखक के घर बहुत सारे चूहे हो गए थे। उन्हें निकालने के लिए बहुतेरे प्रयत्न किए गए। आटे और अनाज की सुरक्षा के लिए लोहे के ढोले बनवाए गए। ढोले का अर्थ है लोहे के ड्रम। ये ढोले भी किसी काम के नहीं निकले क्योंकि उसमें भी चूहे घुसने लगे। उस समय बिल्ली का घर आना अशुभ माना जाता था, किंतु मित्रों की सलाह से घर में एक बिलंगड़ा अर्थात बिल्ली का बच्चा पाला गया और इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति भी ना हुई। बिल्ली के घर पर पाले जाने के बाद उसकी खूब खातिरदारी होने लगी। कभी बच्चे उसे दूध पिलाते तो कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए इसके पीछे ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब सभी घर वाले चूहों को तो भूल गए पर बिल्ली से तंग आ गए। इसका कारण यह है कि बिल्ली का रवैया बदल गया था। वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते हुए बिल्ली कई बार पकड़ी गई। वह रसोई घर में रखे खाद्य पदार्थ दूध दही और अन्य चीज़ों पर हमेशा नज़र गड़ाए रखती, जिससे घर के लोगों की चिंताएँ बढ़ गई। अब लेखक को बिल्ली से पीछा छुड़ाने के लिए अपने नौकर अमरू की सहायता लेनी पड़ी। अमरू लेखक का नौकर बहुत ही होशियार था। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही बिल्ली उस बोरी के अंदर गई, तुरंत नौकर ने बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुँह बांध दिया। लेखक ने अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर की तरफ वापस ना आ सके। अगले दिन सुबह लेखक ने अमरू को याद दिलाया कि वह उसे भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आ जाए। बोरी कंधे पर लटकाकर अमरू चल दिया। जैसे ही अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। 2 आदमी चुपके चुपके अमरू के पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी ने लपक कर थाने में जाकर थानेदार और सिपाही को इस बात की खबर दी। भीड़ ने मानो अमरू को पीटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। इसका कारण यह था कि नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि कुछ ऐसे आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूलना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। यही कारण था कि वहां के लोगों को अमरू पर संदेह हो चुका था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ ना आता तो अब तक अमरू की पिटाई हो चुकी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और सख्ती से उससे पूछने लगा कि यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है। थानेदार ने अमरू को धमकियाँ देना शुरू कर दिया।
और उसे कहा कि अगर तूने नहीं बताया तो यहीं पर तुझे मारना शुरू कर दूंगा। अमरू अल्पभाषी था, अर्थात कम बोलता था। उसने अपने शब्दों से उसे समझाने की कोशिश की कि सरकार, मैंने किसी बच्चे को नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। अंत में अमरू ने बोरी का मुंह खोल दिया और बोरी का मुंह खुलते ही बिल्ली का बिलंगड़ा छलांगे मारकर भाग गया। यह देखते ही लोग सन्न रह गए। थानेदार की भी समझ में ना आया कि अब वह क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक टांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में टांगा खड़ा करना नहीं चाहिए। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का उसने प्रयास किया। जेब मिटाने का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। दरोगा जी चले गए। अमरू हंसता हुआ अपने घर वापस आ गया। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। इस कहानी के प्रमुख पात्र है अमरू, लेखक, थानेदार, बिल्ली और चूहे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पालतू जानवरों के प्रति हमारा सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ये जानवर हमारे साथ हमारे घरों में रहकर हमारे परिवार के सदस्य जैसे बन जाते हैं। उन्हें उचित समय पर अच्छी खुराक देनी चाहिए, उनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, उनकी देखरेख, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ नियमानुसार होना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अपनी भूख मिटाने के लिए घर में रखी हुई चीज़ों को ये जूठा और नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे घर वाले भी उन्हें नापसंद करेंगे। पाठ में आए शब्दार्थ, कुछ कठिन शब्द और मुहावरे इस प्रकार से हैं। आकलन कृति के प्रश्न। घर में बिल्ली पालने का कारण। उत्तर लिखिए। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। विलोम शब्द से नए वाक्य बनाइए। समझदार, ना समझ, अल्पभाषी, बातुनी, पुरानी, नई, दुत्कार, सत्कार, दुर्लभ, सुलभ, तटस्थ, साक्षेप, भौतिक, आध्यात्मिक, शुष्क, आद्र, अपव्यय, मितव्यय। उदाहरण स्वरूप, यहाँ पर एक विलोम शब्द की जोड़ी से दो अलग अलग वाक्य बनाए गए हैं। तटस्थ का विलोम शब्द है साक्षेप। तटस्थ का अर्थ होता है निरपेक्ष, जो किसी का पक्ष ना ले। साक्षेप शब्द का अर्थ होता है पक्ष लेना। इसी प्रकार आप अन्य विलोम शब्द की जोड़ियों से वाक्य बनाइए। तो छात्रों, आपको इस पाठ से जुड़े हुए सारी जानकारियाँ दी गई है। अब एक असाइनमेंट दिया जा रहा है जिसे आप पूर्ण करेंगे। आप किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा पर निबंध लिखेंगे। धन्यवाद।